हे गाइस दोस्तों नमस्कार, कैसे हो सभी। अभी मैं वीडियो स्टार्ट ही कर रहा था तो पीछे जो अंकल जी आप देख रहे हैं झाड़ू लगा रहे हैं, ये बोले मुझे अरे रुको रुको। मैंने कहा क्या हो गया भाई, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, वीडियो क्यों नहीं शूट करने दे रहे हो। कह रहे कि ये मेरा भी वीडियो शूट करो, तो इनको भी आप देख लीजिएगा यहाँ पर सफाई कर रहे हैं। अभी मैं अपने होम टाउन यानी कि मेरे गाँव के पास में जो रेलवे स्टेशन पड़ता है वो है खेड़ली, तो यहीं पर हूँ और यहाँ से मेरी ट्रेन है 6 बजे और हम निकल रहे हैं अभी यहाँ से बनारस। बनारस हम पहुँच जाएंगे कल सुबह 9:45 बजे, तो 9:45 में शायद 9 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। अभी लास्ट टाइम मैं कोटा गया था तो वहाँ से आने के बाद मेरी होगी तबीयत ख़राब, वहाँ से आने के बाद मुझे बुखार आ गया, बुखार को जैसे तैसे करके मैंने ठीक कर लिया, उसके बाद जुकाम हो गया, जुकाम को मैंने ठीक किया तो उसके बाद खांसी हो गई, और खांसी को भी ठीक किया तो खांसी ठीक होने के बाद फिर हमने नया रूट पकड़ लिया बनारस का। लो भैया ट्रेन आने वाली लो भैया, इनका भी हो गया, सुन लिया ना पूरा क्या बता रहे हैं, संकेत दे रहे हैं भाई अनावश्यक भक्ति नहीं घूमे स्टेशन पर। बात भी ठीक है, अभी कोरोना काल चल रहा है, वैसे ही लोगों को दूर दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। मैं भी देखिए मास्क है मेरे पास में भी ये रखा हुआ है, तो टाइम आने पर ये भी मैं यूज़ करूँ क्योंकि अभी मैं अकेला हूँ, यहाँ पर कोई है नहीं आसपास, इसलिए मैंने मास्क को नहीं लगाया है। हम अभी बनारस जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कि आपने मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ देखी है या फिर नहीं देखी, और अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, बहुत ही मस्त है वेब सीरीज़। इसका पहला सीज़न 2018 में आया था और दूसरा सीज़न जो अभी 23 अक्टूबर को रिलीज हुआ है, तो देखिएगा। अभी हम पहुँच रहे हैं, एक मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पीछे भाई साहब जा रहे हैं ना ये रेड टी शर्ट में, तो मैं भी शूट कर रहा था ऐसे देख रहे थे यार क्या कर रहा है बंदा, तो मैं भी रुक गया कि भाई तुम देख लो यार पहले। तो चलिए बनारस पहुँचते हैं और वहाँ आपको मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ की शूटिंग लोकेशन दिखाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो सभी। आज हमारा दूसरा दिन है, कल शाम को हम बैठे थे ट्रेन में और ट्रेन जो है हमारी करीब 2.5 घंटे लेट है आज, तो यहाँ पे आने का टाइम इसका 9:45 बजे का, लेकिन ये ट्रेन जो यहाँ पे 11:15 बजे आके पहुँची है, लेकिन कोई नहीं फिर भी हम टाइम से पहुँच गए, ज़्यादा लेट नहीं हुए। तो जिस शहर का नाम अभी वाराणसी आप देख रहे हैं पीछे, इस शहर का नाम पहले बनारस हुआ करता था, लेकिन परिवर्तन करके बाद में इसका नाम जो वाराणसी कर दिया। कल शाम को ही मैंने एक हॉस्टल बुक कर लिया था यहाँ पर, तो वो हॉस्टल जो है 80 घाट के पास में है। चलिए पहले तो देखना पड़ेगा यहाँ से क्या साधन जाता है, ऑटो जाता है पर बस वगैरह जो भी मिलेगा उससे हम पहुँचेंगे। वहाँ पहुँचने के बाद फिर रेडी होकर फिर निकलेंगे मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ की शूटिंग लोकेशन पर। चलिए चलते हैं।
अभी हम हॉस्टल पहुंच चुके हैं और हॉस्टल का नाम है, इधर आप देख सकते हैं, ये है मूछ वाला हॉस्टल लिखा हुआ है इंग्लिश में, मोस्टल हॉस्टल। मैंने चेक इन कर लिया है, अंदर बैग रख दिया, उसके बाद फिर मैं बाहर आया तब मैंने सूट किया है। चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको अंदर के यहाँ पे कैसा सीन है और क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज हैं। अंदर जाने से पहले यहाँ पे शूज़ उतारने पड़ते हैं, देखिए यहाँ पे शूज़ स्टैंड बना है, यहाँ से शूज और स्लीपर जो भी होता है फिर अंदर जाना होता है। चलिए चलते हैं। कहाँ गए भैया जी, अभी यहीं पे बैठे थे ना, ऊपर गए? अच्छा अच्छा चलो ठीक है, तो फिर हम भी थोड़ा वेट कर लेते हैं, वो आएंगे तब तक। तो रिसेप्शन पे मिले भाई साहब हमें, भाई साहब नाम क्या है आपका? नमस्ते, मेरा नाम यश गुप्ता है, मैं मुस्टैश हॉस्टल का फ्रंट डेस्क मैनेजर हूँ। अच्छा, आपका स्वागत है जी। चलिए रूम दिखाइए हमें, आइए। हम पहले यहाँ बाहर से शूट करते हुए ला रहे थे, तो आप हमें यहाँ पे मिले नहीं, आप किसी और को शायद अंदर ले गए थे, तो चलिए चलते हैं अंदर। ये हमारा सर कोविड की वजह से थोड़े ये मशीन है, सैनिटाइजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा अच्छा, हम लोग को काफी प्रिकॉशंस के गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को ये सब देखना कंपलसरी है। हाँ, आप सेफ रहोगे तो हम सेफ हैं जी, बिल्कुल। बेसिकली हम लोग आने वाले फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा, काफी फेमस है हमारा फर्स्ट फ्लोर पे। ही हमारे दो कॉमन वॉशरूम शावर्स है। अच्छा, लेफ्ट एंड राइट साइड दो रूम्स में अटैचबल्स। अच्छा, और आपके रूम्स में वैसे अटैचबल है। वैसे आपका रूम क्या है? 14 बेड मिक्स रूम। कौन सा है? रूम नंबर 102। ये है, ये 14 बेड मिक्स रूम आपका है। ओके ओके, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। ये है हमारा हॉस्टल जी, बिल्कुल सर, मिल जाएगा, कोई इशू नहीं। सो हमारे 14 बेड डॉम मिक्स डॉर्मेट्री है, आप देख सकते हैं ये अटैचबल वॉशरूम्स। अच्छा, इसके हाँ हाँ, वैसे मैंने सब कुछ इंटरनेट पे देख लिया था पहले ही, पूरा वो भाई ऐसा है वैसा मिला है। अटैचबल वॉशरूम्स हैं और एक ऑन है, और जैसे कि आपका रूम ये है सर, और आपका बेड नंबर ये है, ये है जी, जी बहुत बढ़िया। आपके साथ ये सॉकेट्स और फैंस और लाइट्स सारे। अच्छा, इसी में सब सब अटैचबल्स हैं जी, बहुत बढ़िया है। और भी मैं आपको प्रॉपर्टी का सर्वे करवाता हूँ, आपको काफ़ी हैप्पीनेस होगा, आइए मेरे साथ। चलिए चलिए, ये हमारे शाम के टाइम पे जब लाइट्स ऑन करेंगे तो यहाँ पे बॉटल्स शाइन्स करेंगे काफी आपको। अच्छा अच्छा, ये हमारा है फर्स्ट फ्लोर पे, ये हमारा स्मॉल कॉमन एरिया है। अच्छा, यहाँ पे आप डिनर, स्मोकिंग, लंच कुछ भी कर सकते हो, बट हार्ड लिकर्स नॉट अलाउड इस प्रॉपर्टी पे। अच्छा अच्छा जी सर, हमारे ये महान पंडित जी है। जी जी, नमस्कार पंडित जी। संगीत और बांसुरी के ये काफी प्रसिद्ध है बनारस के। अच्छा, काफी मशहूर है। जी जी जी, धन्यवाद। हॉस्टल का पूरा नज़ारा भैया ने आपको दिखा दिया। चलिए अभी थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद फ्रेश हो गए, फिर निकलते हैं मिर्ज़ापुर की शूटिंग लोकेशन पर। मिलते हैं अगले और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।